सो uh, so अभी हम पढ़ने वाले हैं रीनल फेलियर के बारे में ये है अपना रीनल जो रीनल सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको अपन कंप्लीट कर, करने जा रहे हैं ओके okay. सो देखो रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है रीनल मतलब क्या होता है आपका किडनी किडनी आपका किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड को एक तो वो आ, जो भी है मतलब ब्लड का प्योरिफिकेशन वगैरह भी वहाँ वहाँ होता है ठीक है और साथ ही साथ में क्या होता है यहाँ पर आपका जो भी ब्लड के अंदर बेस्ड मटेरियल्स होते हैं उनको वो क्या करता है फ्लस आउट कराता है ठीक है किडनी का अगर सपोज रेड की किडनी इन दो कामों को अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं किडनी के या तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है या फिर जो किडनी है उसके मतलब नैफ्रॉन्स वगैरह फिर किसी की वजह से वो अफेक्ट हुई है तो अपन उसी चीज़ को देखते हैं कि रीनल फेलियर हुआ तो हुआ कैसे ठीक है रीनल फेलियर और किडनी फेलियर वो मेयरली कॉल्ड रीनल इनसफिसियंसी इस सिचुएशन इन विच द किडनी फेल टू फंक्शन एडिकुएटली इट इट इसका क्या मतलब है देखो इसका ये मतलब है कि जो किडनी होती है ना वो अपना प्रॉपरली वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाती मतलब एफिसियंटली से अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है तो वो क्यों नहीं कर पाती वो अपन आगे चल के देखते हैं इट इज करक्ट्राइज बाय रिडक्शन इन एस्करेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी ओके ये टू टाइप्स होती है एक होती है रीनल फेलियर एक होती है आपकी तो ये जो आपका रीनल फेलियर है इसके अंदर क्या होता है कि एक्यूट और क्रोनिक को आपने टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा है इसमें अपन कैसे देख सकते हैं कि ये जो है आपका टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिला है जैसे कि एक्ट्रीनल uh, फेलियर के अंदर विद इन अ वीक के अंदर आपको सिम्टम्स सोने हो लग जाते हैं जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि वो डिजीज़ तो ऑलरेडी होती है प्रेजेंट अपनी बॉडी के अंदर बट जो सिम्टम्स होते हैं आपको वन ईयर और मोर देन वन ईयर के बाद में आपको सो होने लगते हैं डेट कॉल द एक्यूट रीनल फेलियर और ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है एज कम्पेयर टू एक्यूट रीनल फेलियर सॉरी क्रोनिक रीनल फेलियर और ये काफ़ी ज़्यादा आपका काफ़ी ज़्यादा यू नो सीवियर कंडीशनिंग वाली होती है डिजीज़ एज कम्पेयर टू एक्यूट रीनल फेलियर ओके सो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में ये क्या है It is a sudden and complete loss of ability of kidney to remove waste. मतलब इसमें सडन मतलब कि वही जो अभी विदिन अ वीक इसमें सिम्टम्स होने लग जाते हैं सडन चेंज होता है किडनी के अंदर जिसमें किडनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है टू रिमूव द वेस्ट ओके एंड उसके बाद में क्या है इट अकर्स व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स डेज और इन सम केसेस वीक्स ओके किडनी क्या करती है इसमें कुछ टाइम के लिए अपना वर्क काफ कम्प्लीटली स्टॉप कर देती है जो उसका काम है प्योरिफिकेशन और वेस्ट आउट को uh, बाहर निकालने का उसे कंप्लीटली स्टॉप कर देती है कुछ टाइम के लिए ओके okay. अब है इट इज़ मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड और पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल इल पीपल तो देखो इसके अंदर ये लाइन क्यों है क्योंकि आ, अपना जो इम्यून सिस्टम या तो उसके वजह से वीक हो गया है ठीक है आ, आप ऑलरेडी हॉस्पिटल वाली कंडीशन में हो आप हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हो तो कहीं ना कहीं आप अगर हॉस्पिटल के सपोज आप एक सीवियर कंडीशन की वजह से आप ऑलरेडी एडमिट हो तो उसमें आपको हैवी डोज दी जाती है हैवी डोज किस किसपे अफेक्ट है? डालती हैं डायरेक्टली आपकी किडनी पे डालेंगे तो उसकी वजह से क्या पता आपका जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हो ठीक है एक तो ये हो गया आपका अब अपन इसके काजेस देख लेते हैं देखो कॉजेज इसमें थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं एक तो है आपका प्री रीनल कोजेस एक है आपका इंट्रा रीनल एंड देन थर्ड वन इज दैट की पोस्ट रीनल ठीक है तो आपका जो ये प्री रीनल है जिसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर मतलब मैंने अभी आपको जस्ट कुछ टाइम पहले बताया तो या तो किडनी की स्ट्रक्चर ख़राब हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी किडनी है उस तक प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है या फिर आपका जो यूरिन है उसमें ऑब्स्ट्रेक्शन आ गई है कि वो किडनी से आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है ठीक है तो देखो प्री रीनल कॉजेज़ के अंदर वही सेम चीज़ है कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है किडनी तक के लिए इंट्रा रीनल के अंदर क्या होता है कि जो किडनी की स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो गई हैं एंड पोस्ट रेनियजेस के अंदर क्या होता है ऑब्स्ट्रेक्शन आउट फ्लो फ्रॉम किडनी ओके अब आपने प्री रेनल कॉजेस पढ़ लेना है तो फटाफट अपन इसकी एक बार रीडिंग लगाते हैं डिजीज एंड कंडीशन डाट में स्लो ब्लड फ्लो टू द किडनीज आर ब्लड और फ्लूड लॉस हो जाता है हार्ट डिजीज हो सकती है इन्फेक्शन हो सकता है एलर्जिक रिएक्शंस होती है सीवियर वन हो सकता है सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है देखो तो अगर आप कंप्लीटली uh, डिहाइड्रेटेड वाली कंडीशन में चल चले जाते हो तो आपके अंदर फ्लूड नहीं है बॉडी के अंदर तो ब्लड तो किसी भी तरीके से किडनी तक नहीं पहुँच सकता है सीवियर वन हो जाता है कभी कभी आपकी ओवरऑल बॉडी अगर मतलब कंप्लीटली वन हो चुकी है तो अपने जो स्किन है वो क्या है फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है अगर स्किन ही कंप्लीटली ब्रेक मतलब वन हो गई है तो इसको uh, इसको मतलब वापस से क्योर करने के लिए जो अपना बॉडी का जो कंप्लीट जो ब्लड है यहाँ पर आ जाता है ठीक है मतलब उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी ब्लड की हार्ट डिजीज़ है सिंपल सी बात है हार्ट का काम क्या होता है सर्कुलेटिंग द ब्लड अगर हार्ट में कोई डिजीज़ आ गई है तो ब्लड का क्या हो जाएगा सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ठीक है अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रीनल कॉजेज मैं इसे एक बार जूम कर देती हूँ जिससे आपको प्रॉपरली दिखेगा हाँ इंटरा रिनल काजेज़ इंटरा रिनल कॉजि के अंदर क्या होता है बच्चों कि आपका जो किडनी स्ट्रक्चर होती है ना वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है उसकी नेफ्रोंस डैमेज हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आ, अपना एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लाइक डिजीज़ और कंडीशन डैट मी डैमेज द किडनीज आर ब्लड क्लाट हो गया है इन ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लोमेरोटिस हो गया आपका जो ग्लोमेरोल्स कैप्सूल होता है ना वोमेंस कैप्सूल उसके अंदर क्या हो गया इन्फ्लामेशन हो गया है हीमोलाइटिक हो गया है यूरिमिक सिंड्रोम है ये जिसके अंदर क्या होता है जो आपका इकोलाई होता है वैसे तो वो काफ़ी अच्छा बैक्टीरिया होता है डाइजेशन के अंदर काम करता है इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है तो वो इकोलाई क्या करता है आपकी आर के अंदर एंटर कर जाएगा आर के अंदर एंटर कर गया तो वो इकोलाई क्या करता है आपकी किडनी से ओके जाएगा तो मतलब ब्लड आरबीसी में एंटर किया है ना आपके मतलब ब्लड के अंदर आया तो वो कहाँ पे आएगा आपके आर वी ब्रेक डाउन कर देगा तो आर वी सी से अगर ब्रेकडाउन हो रही है तो आपका जो ब्लड कहाँ पे जा रहा था किडनी के पास जा रहा था तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तो उसकी एक्यूबुलेशन वगैरह होती है अब देखो ये क्या है सिस्टमिक ल्यूपस रेथ्रोमेट्स इसके अंदर क्या होता है ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है ऑटोमेटिकली जो बॉडी होती है वो अपने ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करती है ठीक है डैमेज करती है अब आता है आपका एक रैबडोमाइलोसिस इसके अंदर क्या होता है जो मायोग्लोबिन होता है ना उसका एक्ूबलेशन होता है धीरे धीरे वो मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं उसमें से मायोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है तो मसल्स के अंदर होती है या फिर इस के अंदर होती है तो वो क्या ब्रेक डाउन होकर वहाँ पर एक्यूबलेट होती है ठीक है वायरस इन्फेक्शन हो सकता है आपको कोई भी जैसे कि अभी फिलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें जो अभी फिलहाल का जो सैनैरियो था ना अपना कोरोना वायरस वाला वो अब अपन फोर्थ देखते हैं इसके अंदर पोस्ट रीनल कॉजेज ओके पोस्ट रीनल कॉजेस के अंदर क्या होता है आपका डिजीज और कंडीशन डैट ब्लॉक पासिस ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी ओके अभी जैसे अपन ने देखा था कि पोस्ट रिनल कॉजेस पोस्ट रिनल काजेस के अंदर क्या होता है आपका जो यूरिन है वो आउटफ्लो नहीं हो पाता है बॉडी से ऑब्सट्रक्शन आ जाती है आपकी यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर ठीक है यूरिन ब्लडर या फिर यूरेटर के अंदर कोई स्टोन प्रेजेंट हो सकता है डैट्स वाई वहाँ से आपका प्रॉपर आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है ठीक है बच्चों अब इसमें जैसे कि अपन देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज हैं इसके जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया आपका बीपीएच हो गया बी क्या है अपना प्रेगनिक प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जिसके अंदर क्या होता है कि टिश्यू का एनलार्जमेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो पाथवे काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है जिसकी वजह से जो प्रॉपर ही वैसे मेल के अंदर ही मिलता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाला है ठीक है तो जो वो जो पाथवे वो नैरो हो जाएगा तो उसमें से यूरिन का आउटफ्लो नहीं हो पाएगा एंड है इसमें किडनी स्टोन्स नर्व डैमेज इन्वॉल्विंग नर्व्स दैट प्रोस्टेट कैंसर इसमें अब आ रहा है आपका ए आर एफ ए आर एफ पैथोफिजोलॉजी मतलब एक्यूट रीनल फेलियर पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू ड्यूटोलॉजिकल फैक्टर फेलियर ऑफ रीनल सर्कुलेशन एंड ग्लोमेरुलर इसके अंदर जो ट्यूबुलर है उसके अंदर क्या होता है वो प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा इसमें फिर क्या आ जाएगा डैमेज ट्यूब्यूल्स कैन नॉट कंजर्व सोडियम अब जो आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं ठीक है आपका जो कम्प्लीटली जो ट्यूब्यूल्स होती है जैसे पी सी टी डी सी टी हेलो वो अगर डैमेज हो चुकी हैं तो वो कंजर्व नहीं कर पाएंगे किसको सोडियम को कंजर्व नहीं कर पाएंगे अगर बॉडी के अंदर सोडियम कंजर्व नहीं रहेगा तो अपना रास सिस्टम वो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा सोडियम के फ्लूड को रिटेन करना चाहेगा रिटेन करेगा तो आपको पता होगा जैसे सोडियम एनए एनए की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को भी अपने साथ में एब्जॉर्व करता है जितना ज़्यादा सोडियम उतना ज़्यादा अपने पास में फ्लूड को एक्यूमरेट करेगा फ्लूड को एक्यूमरेट करेगा तो क्या होगा एडिमा होगा अपन को ठीक है तो देखो आप डैमेज टिब्यूज क्या नहीं कर पा रही है सोडियम को कंजर्व नहीं कर पा रही जिसके वजह से क्या एक्टिवेट हो रहा अपना? है अपना रा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है फिर क्या होता है सोडियम फ्लूइड रिटेन लीड्स टू तो एडिमा ठीक है एंड डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू किडनी तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा किडनी तक फिर सडन कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस अगर ब्लड देखो ब्लड वो चीज़ है जो अगर आपके किडनी या किसी भी ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो ऑर्गन क्या करेगा अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं हर ऑर्गन को हर ऑर्गन किससे बनाए एक सेल से बनाए और सेल्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर क्या बनता है टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर क्या बनता है ऑर्गन बनता है तो उन सबको भी तो अपनी एनर्जी सॉरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है ब्लड से मिलती है वो ब्लड ब्लड क्या कर कराता है उनको एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा एक क्या कराएगा उसको न्यूट्रिय प्रोवाइड कराएगा अगर वो ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा है तो अपना ऑर्गन जो है उसकी टिश्यू क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ का जो वर्क है वो एफिसियंटली नहीं हो पाएगा उसका जो वर्किंग एफिशियंसी है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अप टू हेयर ओके सो अपन इसके जल्दी से साइन साइनियन सिम्टम्स को गो थ्रू कर लेते हैं ऑलि ऑलिगो यूरिया हो जाता है ऑलिगो यूरिया क्या होता है जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है वो काफी ज्यादा कम होता है अगर यूरिन फॉर्मेशन होगा भी तो वो डार्क एंड यूरिन कलर में होगा ठीक है तो ये एलोग्रिया वाली कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन काफ़ी कम हो जाता है डार्क कलर यूरिन होता है इसके अंदर एजटमिया होता है मतलब क्या होता है कि आपका जो यूरिन होता है उसके अंदर क्लियरली नाइट्रोजन कंपाउंड्स आने लग जाते हैं एडिमा स्वेलिंग हाइपर टेंशन हर रैपिड हार्ट बीट हो जाती है एनीमिया फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबेलेंस भी हो जाता है देखो तो अगर आपका एक भी ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका एक ऑर्गन जो होता है वो अदर ऑर्गन से भी इंटरकनेक्टेड होता है तो उनकी भी जो फंक्शनिंग होगी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा यू नो अफेक्ट होता है अफेक्ट आता है अब हम इसका पढ़ लेते हैं एक बार डायग्नोस्टिक एंड एवेल्युएशन तो वही सेम अपन हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ब्लड टेस्ट फॉर चैक लेवल ऑफ वन वन का क्या है ब्लड नाइट्रो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं अपन ठीक है यूरिन टेस्ट करेंगे अपन इमेजिंग टेक्निक सच एज यू एस जी मतलब सोनोग्राफी करते हैं अपन अल्ट्रा सोनोग्राफी करते हैं अपन सिटी स्कैन करते हैं ठीक है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में यही एंटीबायोटिक्स वगैरह अपन देते हैं ठीक है तो ये आप ये तो आप खुद से देख लेना चाहो तो आप एक बार इनका स्क्रीन ले लो वेट हम्म तो ये आप इनका एक बार स्क्रीन ले लो ये आप देख लेना इसके बाद में आता है फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड डायलिसिस डायलिसिस के अंदर क्या होता है आपका ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं एक वेन के अंदर अपन नीडल को इंसर्ट करते हैं और वहाँ से प्रॉपर वो आ, मतलब ब्लड का लेते हैं और एक मतलब डायलिसिंग वाला बैग होता है मशीन होती है वहाँ पर उसके अंदर जो ब्लड है आपका फिल्टर आउट होता है उसमें अपन जो नेसेसरी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है अपन उनको भी आर्टिफिशियली डाल देते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है ब्लड का ओवरऑल प्योरीफिकेशन हो जाता है कब जब आप

एक में आपके नाइन्टी परसेंट आपके नेफ्रॉन्स क्या होते हैं डैमेज हो जाते हैं नेफ्रॉन्स क्या है आपकी किडनी के स्ट्रक्चर यूनिट है, है ना वही आपके जो ओवरऑल किडनी का जो फंक्शन है वही ओवरऑल संभालते हैं ठीक है तो एक बार अपन डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्रोनिक किडनी डिजीज़ इट इज़ एन इिवर्सिबल कंडीशन इन विच ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन अकर विच रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ डेंजरस लेवल ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट इन द बॉडी देखो ये क्या एक, 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 एक रिवर्सिबल कंडीशन है क्यों क्योंकि इसके अंदर इस अगर आपकी नेफ्रॉन्स ही डैमेज हो गए कंप्लीटली जो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है अगर वही डैमेज हो गए हैं तो क्या होता है इसके अंदर आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसलिए ये रिवर्सिबल है रिवर्सिबल का क्या मतलब है यहाँ पे आप दोबारा से नेफ्रॉन्स को थोड़ी ना मतलब नए आप आर्टिफिशियल ला डाल दोगे तो आप इसका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो अदरवाइज़ इसके अंदर क्या होता है कि आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाओगे इसमें जो भी आपके ड्यू टू आपका नेफ्रॉन्स डैमेज जो हुआ है आपका उसकी वजह से लॉस जितना भी आपका लॉस होता है उसकी वजह से जितने भी आपके डेंजरस फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आपका जो बॉडी के अंदर बेस्ड मटेरियल एक्यूमलेट होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है ठीक है आपके लिए तो अपन इसमें देखते कॉजेज़ द मेन कॉज ऑफ़ सी आर एफ इज़ टाइप वन एंड टाइप टू डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ यू के अकॉर्डिंग ये लाइन एक बार इसे नोट कर लेना ठीक है अब अपन बढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलस उसके अंदर वो इन्फ्लामेशन हो जाता है प्रोलॉन्ड ऑफ सेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यू टू एन लार्स प्रोस्टेट किडनी स्टोन कॉजेज इसमें वही सब है ठीक है हम अपन देखते हैं स्टेजेस स्टेजेस जो अभी जस्ट मैंने आपको तीन स्टेजेस बताई थी ठीक है तो देखो हाँ प्री रीनल कॉजेस की जो फर्स्ट स्टेज है इसके ये कैसी है देखो इट इज़ अ अर्ली और साइलेंट स्टेज इन विच नेफ्रॉन्स फंक्शन लूजेस अप टू फिफ्टी परसेंट बट विदाउट सिम्टम्स इसके अंदर कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते इसके अंदर क्या होता है आपकी जो फिफ्टी परसेंट नैफ्रॉन्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं उनका जो फंक्शन होता है कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है लेकिन क्या होता है जो बाकी के जो आपके फिफ्टी परसेंट बच्चे हुए हैं वो आपका ओवरऑल कंपेंसेट करते हैं आपके अदर फिफ्टी परसेंट का वर्कलोड भी लेते हैं ठीक है अब आता है आपका रीनल इन्सफिशियंसी रीनल इन्सफिशियंसी के अंदर क्या होता है फिफ्टी सेवेंटी फाइव परसेंट आपके नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं इसमें माइल्ड सिम्टम्स होने लग जाते हैं अब आता है आपका ई एस आर डी ये ई एस आर डी को अपन क्या बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर क्या होता है आपका नाइन्टी परसेंट आपकी नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट आपका जो नेफ्रॉन्स होता है ना जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वो डैमेज हो जाती हैं बाकी के जो नेफ्रोन्स हैं उन नेफ्रोन्स का वर्कलोड कंपनसेट करने लगती हैं ठीक है ये बहुत ही क्रोनिक और सीवियर कंडीशन होती है उस पर्सन की एंड इसके अंदर होता क्या है कि इन दिस स्टेज नाइन्टी परसेंट फंक्शन ऑफ द नेफ्रोन लॉस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस क्रोनिक एंड परसिस्टेंट एफ नॉर्मल किडनी फंक्शंस ठीक है इट इज़ लास्ट फॉर सी के डी इज वैन डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं अपन अगर मतलब सर्वाइव करने के लिए ठीक है पैथोफिजियोलॉजी तो के अंदर देख लेते हैं नैफ्रोन्स क्या होती है इसमें डैमेज हो जाती हैं ठीक है देखो और नैफ्रोन डैमेज हो जाती है वो प्रोग्रेसिव एंड डैमेज नेफ्रोन्स कैन नॉट फंक्शन एंड डो नॉट रिकवर ये अभी जस्ट मैंने बता दिया था ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो दोबारा से रिकवर नहीं हो सकती हैं अब क्या आता है इसके अंदर डिक्रीज जी एफ आर डिक्रीज जी एफ आर में यहाँ पे जो उसका फंक्शनिंग है जो रेट ऑफ फ्लो है मतलब जो फंक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है जो जी एफ आर जो रेट आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है हाँ रिमेनिंग नेफ्रोन्स अंडा वो चेंजेज़ टू कंपनसेट फॉर डैमेज नेफर अब देखो सपोज सपोजिट अगर आपकी हंड्रेड नेफ्रोन्स हैंड्रेड मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ हंड्रेड नेोन्स हैं उनकी सेवेंटी फाइव नेफ्रोन्स आपकी कम्प्लीटली डैमेज हो गई हैं बाकी की जो आपकी ट्वेंटी फाइव परसेंट जो नेफ्रोन्स बची हैं तो वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ नेफ्रोन क्या करती है ख़ुद का तो काम करती हैं साथ में उन सेवेंटी फाइव परसेंट का भी काम करेंगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे तो उनकी भी एफिशेंसी कम हो जाएगी वो भी एक टाइम पर आके डैमेज हो जाएंगी तो इसके अंदर वही चीज़ है, है ना आपका अपन ये देख रहे हैं कंटिन्यू डैमेज होती रहती है नेफ्रोन्स आपकी जिसकी वजह से जी एफ आर जो रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है इन जो आपका बेस्ट मटेरियल है वो आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होता जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपको क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाता है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है पेशेंट के लिए अब देखो अपन एक बार जी एफ आर देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है नाइन्टी एम एल ही वो जी एफ आर रेट देता है इसके अंदर नॉर्मल किडनी फंक्शन तो चलते हैं बट क्या है कि कुछ अब नॉर्मल टीस लग जाती है किडनी के अंदर सेकेंड स्टेज में क्या होता है नाइन्टी से वो कहाँ पे आ जाता है सिक्सटी टू एट्टी नाइन एम एल पर मिनट आ जाता है इसके अंदर क्या होता है माइल्डली रिड्यूस किडनी फंक्शन एंड इसके अंदर आता है यूरिन एनालिस पॉइंट्स टू किडनी डिजीज ओके एंड थर्ड है इसके अंदर थर्टी टू फिफ्टी नाइन तक आ जाता है जिसके अंदर मॉडर्टी रिड्यूस किडनी फंक्शंस होने लगते हैं एंड फोर्थ है इसका फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन एम एल पर मिनट जिसके अंदर सीवियर रिड्यूस होने लगते हैं किडनी का फंक्शन और देखो एक आप सबसे ऊपर देख रहे हो ये पेज का मैं एक बार इसे जूम कर देती हूँ देखो ये ई एस आर डी वाली जो आप कंडीशन देख रहे हो इसमें क्या होता है फिफ्टीन एम पर मिनट से भी कम हो जाता है इसमें जी रेट जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है ई वाली कंडीशन होती है मतलब क्या एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ होती है ये ओके सो इसके अंदर आप ये इसका जी एफ आर एट था अपन पढ़ते हैं इसका हाँ साइन एन सिम्टम्स अब ये जो साइन एस सिम्टम्स है ये आपके न्यूरोलॉजिकल पर क्या इफेक्ट डालते हैं आपके जी आई सिस्टम पर क्या डालते हैं ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम पर क्या डालेंगे एक बार वो और देख लेते हैं अपन है ना नॉर्मल गो कर रहे हैं अपन नॉर्मल रीडिंग से समझने की कोशिश करते हैं आपका अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे आ, कोई इफेक्ट होगा तो वो क्या होगा आपके थिंकिंग रीजनिंग कन्फ्यूजिंग सॉरी थिंकिंग रीजनिंग वाली जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा आपकी डिसोरियंटेशन हो जाती है जी सिस्टम में क्या होता है नोजिया वॉमिटिंग होती है जी आई ब्लीडिंग होने लगती है ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम में क्या होता है एनीमिया वाली कंडीशन आ जाती है ठीक है ड्यू टू इरेथ्रोपोटिन डेफिशियसी ओके okay. अब आता है फोर्थ आपका पल्मोनरी सिस्टम इसके अंदर क्या होता है आपका फ्लूड इन लंग्स एंड थी स्प्यूटम बन जाता है इसमें और सी इस सिस्टम uh, में क्या होता है चेस्ट पेन होने लगता है क्यों क्योंकि फ्लूड का एक्यूबलेन हो जाता है अदर सिम्टम्स में क्या होता है फैटिक और वीकनेस ऑलिग्री हो जाता है हार्डिक हो जाता है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखें तो क्या होता है हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक यू और सि स्कैन ओके ट्रीटमेंट में वही आप एक बार देख लेना देखो ट्रीटमेंट के अंदर ये हैं आपके है आपके ट्रीटमेंट फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थेरेपी देते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी देते हैं जैसे कि वो फ्लूड का इनटेक कर पाए पेशेंट प्रॉपर्ली डायलिसिस करवा सकते हैं अपन सर्जिकली रिमूवल करवा सकते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट करवा सकते हैं किडनी का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं अपन ठीक है इट इज़ अ प्रोसेजर ऑफ क्योरिंग द पेशेंट विथ एंडिस्टिज आर डी मतलब रीनल डिजीज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच किडनी इज रिमूव फ्रॉम डोनर एंड प्लेस इन टू द बॉडी ऑफ अ रिसीवर ओके अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आ, रीनल कैलकुलाए जिसे अपन रीनल स्टोन्स भी बोलते हैं ठीक है तो ये जो रीनल स्टोन है अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा है रीनल फेलियर पढ़ा था जिसमें अपन ने टू टाइप्स पढ़े थे एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर एक्यूट रीनल फेलियर के विद इन अ शॉर्ट पीरियड आपके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है एक कम टाइम के लिए होती है अपन इसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके इसे पहले जैसा फंक्शनिंग अच्छे से करवा सकते हैं लेकिन क्रोनिक जो होती है वो एंड स्टेज वाली होती है उसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते वो इ प्रोसेस है ठीक है अब इसके अंदर क्या आता है हाँ रीनल कैलकुला है ये स्टोन भी बोलते हैं अपन इसमें दो कंडीशन होती है सॉरी होती है इसके अंदर तीन है है ना एक है यूरोथ्रिलइसिस एक है नेफ्रोथ्रिलाइसिस एक होता है यूरिट यूरिट यूरिटर थ्रोलाइसिस ठीक है अब इसके अंदर एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो किडनी स्कोन स्टोन्स होते हैं वो हार्ड डिपॉजिट ऑफ किसके होते हैं मिनरल्स के होते हैं या सॉल्ट के होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्टोन्स बनाते हैं या तो स्मॉल साइज ऑफ़ स्टोन्स होंगे या फिर आपके लार्ज साइज ऑफ स्टोन्स प्रेजेंट होंगे आपकी किडनी की किडनी के स्ट्रक्चर्स के अंदर ओके सो इट मे अकर्स ड्यू टू द डाइट ओवर वेट सम मेडिकल कंडीशंस एंड

देखो जो आपको मैंने तीन कंडीशन बता बताई थी एक तो है यूरिथ्रोलाइसिस एक है आपकी नेफ्रोथ्रिलाइसिस एक है आपकी यूट्रोथ्रिलाइसिस तो देखो यूरिथ्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है इसमें आपका जो स्टोन्स है वो कहीं भी आपकी ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम के अंदर फॉर्म हो जाएगा नैफ्रोथ्राइसिस में, युर, में क्या होता है आपकी किडनी के अंदर होगा यू यूरिथ्रोलाइसिस में क्या होता है आपका जो स्टोन है वो आपके यूरिटर्स के अंदर होते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है ये अपन किडनी जो स्टोन है इसके टाइप्स को पड़ते हैं एक तो होता है आपका कैल्शियम स्टोन ठीक है और एक कौन सा होता है आपका स्टोराइड स्टोन एक होता है आपका यूरिक यूरिक एसिड स्टोन होता है और एक आपका सिस्टाइन स्टोन होता है तो एक बार अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कौन सा कैल्शियम स्टोन ये मेजोरली जितने भी पेशेंट होते हैं उनके अंदर यही स्टोन देखने को मिलता है 80 परसेंट पेशेंट के अंदर यही स्टोन देखने को मिलता है इसके अंदर क्या होता है जो कैल्शियम होता है ना कैल्शियम ऑक्सीट का फॉर्म प्रेजेंट होता है ठीक है ये धीरे धीरे एक्यूमलेट होता रहता है और आपके बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्म कर लेता है ऑक्जिलेट क्या होता है एक एंटी न्यूट्रींट कंपोनेंट होता है जो क्या करता है आपका जो आपके कैल्शियम से बाइंड हो जाता है और कैल्शियम को एक्यूबलेट करवाता है ये आपके फ्रूट वेजिटेबल नट्स पोटैटो चिप्स एंड चॉकलेट्स वगैरह इनके अंदर हाई ऑक्जीलेट होता है ठीक है ओवन पढ़ने जा रहे हैं अपना स्ट्रोइ स्टोन्स स्ट्रोइ स्टोन्स के अंदर क्या होता है इसके अंदर मैग्नीशियम अमोनियम और फॉस्फेट एक्यूबलेट होते हैं ठीक है ये आपके जैसे कि विच अकर्स ड्यू टू यू टू यू टी आई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन विच यूरिन यूरिया स्प्लीथिंग बैक्टीरिया होता है एक प्रोटीएस माइक्रोविलस होता है और एक कौन सा होता है आपका सूडोमिनास बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है यूरियस एंजाइम को सिक्रिएट करता है जो आपका ये ब्रेक डाउन करता है यूरिया का किस किस के अंदर करता है अमोनिया एंड सीओ टू के जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे अमोनिया फॉस्फोरस या मैग्नीशियम का एक्यूमेलेशन होता है ठीक है ये मोस्ट कॉमनली वुमेंस के अंदर पाया जाता है क्यों क्योंकि वुमेन्स के अंदर यूटीआई होता है ठीक है यूरिक सॉरी uh, यूरिया टैक्ट इन्फेक्शन होता है ठीक है अब अपन पढ़ने जा रहे हैं यूरिक एसिड स्टोन्स यूरिक एसिड स्टोन के अंदर क्या होता है इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म आफ्टर द कैल्शियम स्टोन्स ठीक है इन दिस टाइप ऑफ स्टोन डेवलप्स वैन यूरिन इज टू एसिडिक अ डाइट रिच इन प्योरिन कैन इंक्रीजिज़ द यूरिन देखो आपका कैल्शियम वाला जो था वो एट्टी परसेंट था उसके बाद में अगर जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सब मोस्टली देखा जाता है वो है यूरिक एसिड ये किसके वजह से होता है आपकी ऐसी डाइट आप जो पेशेंट इनटेक करता है जिसके अंदर आपका एसिडिक नेचर है ठीक है तो उसके से आपको क्या होता है यूरिक एसिड स्टोन हो जाता है अब अपन देखते हैं सिस्टीन स्टोन सिस्टीन क्या है एक नॉन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है इट इज़ दी रेयरस्ट फॉर्म ऑफ द किडनी स्टोन इट फाउंड्स इन पीपल विथ कंडीशन ऑफ सिस्टीन यूरिया जेनेटिक uh, एबनॉर्मलिटी होती है ये ठीक है जिसके अंदर क्या होता है आपका एग मीट और ये जो uh, जितने भी ये नॉन वेजिटेरियन टाइप होते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टीन uh, मिलता है

एंड इसके अंदर जैसे कि गैस्ट्रिक वाइपर सर्जरी हो गया इन्फ्लामेटरी बावल डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है आपके जो बोन्स होती हैं कैल्शियम से बनी होती हैं कैल्शियम से बनी होती है तो उसके अंदर अगर डिस्ट्रिक्शन होगा बोन्स का तो कैल्शियम का कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर इंक्रीजमेंट लेवल हो जाता है ठीक है अब है तो पर आते हैं ड्यू टू तो हेटियोलॉजिकल फैक्टर यूरिन सुपर सैचुरेशन यूरिन सुपर सैचुरेशन का क्या मतलब यहाँ पे जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा कैल्शियम ऑक्सीट होगा यूरिक एसिड होगा तो उसके वजह से यूरिन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आपको देखने को ईजिली मिल जाती है फिर बनता है क्रिस्टल न्यूक्लिएशन इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जब चीज़ें एक्यूबलेट हो रही है तो तीन ही मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे उसमें स्टोन्स फॉर्म होते हैं फिर उन स्टोन्स का ग्रोथ होता है फिर वो एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं क्रिस्टल एग्रीगेशन जैसे बोलते हैं फिर वो धीरे धीरे एक स्टोन बन जाता है फिर क्या बोलते हैं अपन इसे रीनल कैलकुलाय बोलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पर अगर अपन एक बार आकर देखें तो यूजली सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स मे नॉट सीन अंटिल द स्टोन्स रीज टू द यूरिटर तो यूरेटर में क्यों क्योंकि यूरेटर क्या है कि आपको वहाँ अगर स्टोन प्रेजेंट होगा तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन मिलता है और इसकी वजह से आपके वैसे तो किडनी के अंदर जब भी स्टोन प्रेजेंट होगा तो आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे लेकिन जैसे वो स्टोन आपका यूरेटर तक पहुँच जाता है तो क्या होता है वहाँ आपको सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है अब वह इसके बाद में पढ़ने जा रहे हैं रीनल कॉलिक और सीवियर सार पेन अक्सर सेम फ्लैंक एरिया डैट आल्सो रेडिएट टू एबडोमेंट ग्रोइंग तो फ्लैंक एरिया होता है फ्लैंक कैसे एरिया होता है सपोज अट ये पेशेंट है ठीक है ये उसका हेड है और ये उसका ग्रोइंग रीजन है तो ये वाला जो साइड है ना वो फ्लैंक है मतलब यहाँ से अपन बैक साइड से लेके और यहाँ तक अपन ऐसे इसको कट करेंगे इसे अपन क्या बोलते हैं फ्लैंक एरिया बोलते हैं आई आई नो आपको अभी इससे ऐसे ढंग से, से समझ नहीं आ रहा होगा बट uh, कोई ना अपन एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं रीनल कोलिक और सीवियर्स आर्थ पेन अकर्स इन फ्लाइंग एरिया डेट ऑल्सो तो रेडिएट टू तो द लोअर एबडोमिन ग्रोइंग पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है अदर साइनल सिम्टम्स क्या है इसके पिंक रेड और ब्राउन यूरिन आउटफ्लो होता है क्लाउडी और फ्लाउल स्मेल होती है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है इसमें बार बार यूरिनेशन होता है अर्जेंसी वाली फीलिंग आती है नोजी एंड वॉमिटिंग होता है फीवर सेल्स इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन पासड आउट ओके अब अपन नोट पढ़ते हैं किडनी स्टोन समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ ग्रेट मिमिकर मिमिकर क्या होता है कि अपन जैसे किसी की एक्टिंग कर रहे हैं ठीक है तो जब आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन प्रेजेंट होता है तो कभी कभी ये ऐसे मिमिक करता है कि लाइक आपके अंदर कोई और डिजीज़ भी है जैसे कि आपको अपेंडिसाइटिस है यूटीआई है गैस्ट्राइटिस है ओवरियन और टेस्टिकल कंडीशन्स है ना तो ये की नोट है इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना अब है डायग्नोसिस हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन ब्लड टेस्टिंग ट्यूमर्स, कैल्शियम और यूरिक एसिड इन द ब्लड यूनिन टेस्ट इमेजिंग टेक्निक्स सी स्कैन एक्स रे लैस कॉमनली एन यू एस सी ओके मैनेजमेंट पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ़ किडनी स्टोन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन एंड कॉज ऑफ स्टोन या तो स्टोन स्मॉल हो सकता है स्टोन आपका लार्ज हो सकता है ठीक है मोस्ट स्मॉल स्टोन्स हाँ उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अगर आप फ्लूड का इंटेक बढ़ा देते हो अपने ड्रिंकिंग वाटर जैसे कि टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव लीटर पर डे बढ़ाते बढ़ा देते हो तो इससे क्या होता है वो अपने बॉडी से रिमूव हो जाएंगे लेकिन अगर ज़्यादा अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करने के लिए अपन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं इव्यू प्रॉफिन एंड नैप्रोक्सिन दे सकते हैं ठीक है और जैसे कि काफ़ी सारी मेडिसिन है एक बार आप इन्हें लर्न कर लेना अब देखो लार्ज अगर स्टोन्स हैं टैन एम से अगर ज़्यादा साइज़ है उस स्टोन की तो वो वाटर से तो जा नहीं पाएंगे सिंपल सी बात है तो उनके लिए अपन क्या कर सकते कुछ सर्जरीज होती है जैसे कि फ़र्स्ट है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वेट में इसका जूम कर देती हूँ एक्स्ट्रा कार्पोरियल सॉक वेव लिथोस्थ्रापी ई एस डब्ल्यू एल इसके अंदर क्या होता है ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है बहुत ईजिली हो जाता है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी मिनट्स का है ये इसके अंदर पेशेंट को एक मशीन होती है उसके जस्ट नीचे ले डाउन करा देते हैं उसमें से हाई वाइब्रेशन से क्या निकलती है एक वेव्स निकलती हैं सॉक वेव्स निकलती हैं जो जहाँ अपनी किडनी के एरिया पर एक स्टोन प्रेजेंट होता है वो रेडिएशन को वहीं पे डालता है और जिससे कि वो ईजिली uh, स्टोन्स को बाहर निकाल देता है नेफ्रोलिथोमी क्या होता है इन दिस प्रोसीजर आर इन सीजन इज मेड इन द फ्लैंक एरिया जो अभी मैंने आपके फ्लैंक एरिया बताया था ऐसे यहाँ पे कट कट करते हैं और वहाँ से एक स्मॉल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं एक स्कोप के साथ में फिर वहाँ से जो किडनी में जो स्टोन होगा ना उसको रिमूव आउट कर देते हैं ठीक है अब जो अपना थर्ड आता है तो हाँ अगर ये वाली अपन नेफ्रो जो नेफ्रोलिथोमी होती है ये अपन कब करते हैं जब ई एस डब्ल्यू वाली सर्जिकल जो है अपना प्रोसीजर जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है अब देखो ये एक आता है अपना यूरिट्रोस्कोपी यूरिट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है आपका आ, यूरिनरी ब्लैडर से इंसिजन करते हैं और यूरिटर के अंदर ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जैसे वो ट्यूब इंसर्ट हो जाता है वहाँ से एक उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ प्रेजेंट और वो क्या करते हैं उस स्टोन को बाहर की साइड निकाल देते हैं आई होप आई एम वेरी क्लियर अप टू हेयर देखो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है ये आप एक बार पढ़ लेना ठीक है मैं इसका पी डी एफ फॉर्म प्रोवाइड कर दूँगी अपन अब नेक्स्ट डिजीज पर चलते हैं एंड दैट इज़ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये कोई एक डिजीज़ नहीं है ये काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ सिंड्रोम क्या है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ठीक है जिसके अंदर ये दो तीन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से क्या होता है आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स राधा देना डिजीज़ विच इंक्लूड्स प्रोटीन और यूरिया प्रोटीन के जो यूरिया के अंदर क्या होता है जो आपका यूरिन होता है उसके अंदर प्रोटीन आने लग जाता है हाइपो एल्व्यूमिनिया कि मतलब आपकी जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर आपका एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसकी कमी हो जाती है क्यों क्योंकि वो जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पर आने लग जाती है आपके वेस्ट मटेरियल के अंदर आने लग जाती है एडिमा वाली कंडीशन आपको हो जाती है तो देखो कॉजेस में द द ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी टू पार्ट्स एक तो होता है आपका प्राइमरी ग्लोमेरुलो ग्लोमेरुलोसिस एक होता है आपका सेकेंडरी ठीक है प्राइमरी में क्या होता है जो डायरेक्टली किडनी के किडनी uh, के जो नेफ्रोन्स वगैरह उनको जो अफेक्ट कर रही है ठीक है सेकेंडरी किसी और चीज की वजह से लाइक डायबिटीज वगैरह की वजह से आपकी किडनी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो प्राइमरी को पढ़ते हैं ड्यू टू तो ग्लूमेरुलर डिजीज डैट लिमिटेड ऑफ द किडनी कॉल्ड प्री नेफ्रोटिक सिंड्रोम अब जैसे कि पहला अगर अपन देखें मिनिमल चेंज डिजीज़ इट इज़ मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो आपकी कंडीशन है वो नैफ्रोन्स कैसे अपीयर होते हैं नॉर्मल अपीयर होते हैं अगर आप नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखोगे लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाके इसके अंदर वो सिंड्रोम्स होता है हाँ ये रहा सो so, ये हो गया फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस इसके अंदर क्या आता है आपका uh, इसके अंदर होता है आपका इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अडल्ट इट इज करेक्ट्राइड बाय एप्रिय ऑफ टिश्यू इज कैरिंग इन ग्लोमेरुलाई जो आपकी ग्रो मेरोय है वहाँ पे क्या है टिश्यू का एक या तो एग्रीमेशन होता है वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डे मतलब टोटली डैमेज हो जाते हैं मैम्बरिनस क्या है इसके अंदर जो मैमब्रीन होती है ना ग्लोमेरोरास की वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है वहाँ से जो आपका आ, लीकिंग जो फ्लूड्स वगैरह वहाँ से लीक होने लग जाते हैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो रहना था लाइक एलम्योमिन को अपन को क्या है पास आउट नहीं कराना था तो पास यहाँ से पास होने लग जाता है अब आप सेकेंडरी पढ़ रहे हो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है आपका इट इंक्लूड सम कंडीशन डैट मे अफेक्ट किडनी सेकेंडरी कॉल सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओके एक है आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है एक कॉम्प्लिकेशन डैट मे अकर इन सम डायबिटिक पेशेंट एक्सेस ब्लड शुगर लेवल एक्यूमलेट हो जाता है आपके किडनी के आसपास वाले एरिया में जिसकी वजह से क्या होता है जो आपकी ग्लोमेरुलस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है और उसके वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है ठीक है एंड द सेकंड क्या है आपका सिस्टमेटिक ल्यूपस एरेथ्रोमेटस इसके अंदर क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो अपने नंबर ऑफ ऑर्गन्स को क्या करती है ये डैमेज करने लग जाती है फिर एच आई वी हेपेटाइटिस वी कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर इन सब की वजह से भी हो जाता है पैथोफिजोलॉजी एक बार अगर अपन देखें तो पैथोफिजोलॉजी में क्या है ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर लाइक इन्फ्लामेशन तो क्या होता है आपका ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट हो जाती है हुँ. इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट हो जाती है इसके अंदर क्या आता है कि अगर उसकी स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रही है उसकी मैमरिन डैमेज हो रही है तो वहाँ से अल्म्यूमिन जैसी प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो पास होने लग जाते हैं फिर क्या होता है आपका जब उनको उनको लिख जो प्रेशर होता है ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर वो कम हो जाता है जिसकी वजह से हाइप वो हो जाता है मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर अगर आपका उनको लिख प्रेशर कम हो जाएगा तो मतलब वहाँ से ईजिली एलम्यूमिन जो प्रोटीन है वो पास आउट हो जाती है इसलिए ब्लड के अंदर क्या हो जाता है अल्म्यूमिन का कमी हो जाती है फ्लूड बिल्डअप इन द टिश्यू स्पेसिस एडिमा हो जाता है आपको एनफ्रोटिक सिंड्रोम, ओके साइनस सिम्टम्स में अगर आप देखें तो इसके अंदर वही प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर आपके प्रोटीन देखने को मिल रहा है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर आपके हाइपो एल्यूमिनिया वाली कंडीशन मिलती है हाइपो हाइपोमीस क्या होता है कम एल्म्यूमिनिया एक ये, ये प्रोटीन है आपकी जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलती है ठीक है एडिमा आपके लैक्स फेस और हैंड के अंदर देखने को मिलता है अदर सिम्टम्स देखें तो हाइपर टेंशन रियरली डिजनिया मिलता है एसाइटिसटिस मतलब क्या होता है आपके एबडोमिनल जो कैविटी है उसके अंदर फ्लूड का एक्यूमलेशन हो जाता है फिर आप देख रहे हो थ्रोम्बोफीलिया एंड इनक्रीज एंटी ठीक है ये सभी है डायग्नोसिस देख रहे हो तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे अपन पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन एनालिसिस करते हैं अपन ब्लड टेस्ट आर एफ टी रीनल फंक्शन टेस्ट को चेकआउट करते हैं कि क्या अपने यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन जैसी चीज़ आ रही है या फिर आ, जो भी अपने प्रोटीन वगैरह हैं वो सब आ रहे हैं क्या तो ये सारी चीज़ें अपन कहाँ से चेक करते हैं डायग्नोसिस के थ्रू चेक करेंगे मैनेजमेंट में देखो डाई यूरेटिक्स देंगे जिससे कि जो आपका फ्लूड एक्यूबलेट हुआ है तो डाय क्या करेगा उन फ्लूड को एक्यूबलेशन से रोकेगा मतलब फ्लूड को पास आउट करा देगा न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं कि जिससे कि आप फ्लूड इनटेक प्रॉपर वे करोगे आपके अंदर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी भी कहीं एफिशिएंटली वर्क करेगी आप ब्लड को थिनर्स करने के लिए अपना एंटीकॉकलेट दे सकते हैं जैसे कि एस्प्रिन हो गया वगैरह ये सारी चीज हो गई ठीक है तो ये सब आप देख लेना एक बार ये वही एंटीबायोटिक्स जो आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको अपन बचाने के लिए क्या देते हैं अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में देखो एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू तो प्रो, प्रोटीन लैस इन यूरिन प्रोटीन आने लग जाती है ना जब आपके यूरिन के अंदर तो वो कहीं ना कहीं एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम है आपकी और इम्बेलेंस न्यूट्रीशन नुट्रि, लैस देंट बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की उतना फूड इनटेक नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एक डिजीज़ कॉज करेगा फैटिक रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट डिस नॉलेज रिलेटेड टू प्रॉब्लम तो ये सारे के सारे वही है ना अपन अब इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं एज ए नर्स अपन इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन वाइटल साइंस चेक करेंगे रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट को पेशेंट को डेली अपन एसेस करना है अपन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है उसके इनटेक और आउटटेक को कि वो जितना इनटेक है उसका क्या उतना आउटपुट आ रहा है क्या एडवाइज टू लिमिट फ्लूड इनटेक एज ऑर्डर ओके एंक्रेज हाई पोटेशियम लो फैट लो सोडियम देखो सोडियम को लो क्यों बोला है क्योंकि सोडियम है ना एक वाटर को रिटेन वाली कंडीशन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है अगर उसके अंदर वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहेगी तो वो क्या करेगा उस वाटर को इंटेक करेगा तो एडिमा वाली कंडीशन हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर है ना फिर ये सब है ना कंसिडर स्मॉल मील्स राधर दिन अ लार्ज मील्स है ना आ इसमें जिससे कि रिड्यूसिंग फुलनेस वाली रिड्यूसिंग जो है वो कम हो जाती है अपनी प्रमोट बैड रेस्ट विथ मिनिमम फिजिकल एक्सरसाइज और पेशेंट को अपन ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि एडमिनिस्टर ड्रग एज प्रिस्क्राइब है ना एज नॉलेज एंड एनजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट टू प्रोवाइड इफेक्टिव एजुकेशन अपन नेक्स्ट डिजीज पे मूव करते हैं जो है आपकी वैन इन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया ये आपकी मेल मेल जनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं ना वहाँ से डिजीज़ तो ये नेक्स्ट चैप्टर वाली डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक इस बार भी ये क्वेश्चन पेपर में देखने को डेफिनेटली मिल सकती है ऐसा मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ तो देखो इसके अंदर क्या होता है हाइपर प्लेसिया हाइपर का मतलब क्या होता है इससे अपन सॉर्डली तो बी पी एच भी बोलते हैं और हाइपर प्लेशिया हाइपर प्लेशिया का मतलब क्या होता है कि आपका जो टिश्यू है उनका एनलार्जमेंट होने लग जाता है किसी भी एक एरिया में तो ये कहाँ पे हो रहा है आपका प्रोस्टेट वाले एरिया में हो रहा है जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेल के अंदर वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास वाले एरिया में क्या है टिश्यू का एनलार्जमेंट हो रहा है तो जो जो पाथवे इतना था जिसमें से यूरिन का आउटफ्लो हो रहा है है ना तो वो कितना हो जाता है इतना हो जाता है मतलब काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है क्यों क्योंकि उसके आसराउंड में क्या होता है प्रो टिश्यू का एनलार्जमेंट होने लगता है तो एक और अपन इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं हाँ इट इज अन्लार्जमेंट ऑफ और हाइपर ट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एन लार्ज अपवर्ड इन टू द ब्लैडर एंड ऑब्सट्रैक्टिंग द आउट फ्लो ऑफ यूरिन इसका क्या मतलब है वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो आपका पाथवे अगर वो कम हो जाएगा तो फिर क्या होता है अगर आपका पाथवे कम हो गया तो यूरिन का जो आउटफ्लो है वो नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि इसमें क्या हो रहा है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड हो रही है वहाँ जो टिश्यू है उनका एनलार्जमेंट हो रहा है इसलिए ठीक है अपन पढ़े तो इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लड यूरीने यूरिनरी रिटेंशन लीडिंग टू यूरिनरी स्टैटिस मे रिजल्ट इन द हाइड्रोफोरोसिस तो देखो हाइड्रोफोरोसिस क्या होता है किडनी में जो ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आपके जैसे कि जो पाथ है वो कम हो गया है तो आप प्रॉपर यूरिन को आउटफ्लो नहीं कराओगे प्रॉपर यूरिन आउटफ्लो नहीं होगा तो ब्लैडर के अंदर है ना मतलब जो इनकम्प्लीट एम्पिंग होती है तो अब है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के अंदर क्या है आपका द एग्जैक्ट कॉजेज आर नोन बट द स्टडी सजेस्ट हारमोनल इन्वॉल्वमेंट लाइक टेस्टिसन एंड डी एस टी डी एस टी का क्या फुल फॉर्म है ड्राई हाईड्रो टेस्टिसट्रोन ओके सो इसकी पैथोलॉजी देखें अपन तो पैथोफिजोलॉजी के अंदर क्या होता है हाँ डाइट जैसे कि कुछ स्टडीज सजेस्ट करती है कि जो अपन आ, प्रोटीन आ, हाई रिच वाली जो एक ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें के अंदर प्रोटीन इंटेक अपन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी क्या कॉस करा, करा सकती है, है? है अपन को बी पी एच कॉस करा सकती है ठीक है पैथोफिजोलॉजी एक बार चेकआउट करते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सॉरी पैथोफिजोलॉजी पैथोफिजोलॉजी के अंदर क्या है ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर इंक्रीजिंग एज एंड जेम्स एरोमेटिज एंड फाइव अल्फा रेडक्ट इंक्रीज इन एक्टिविटी इंक्रीज लेवल ऑफ डी एस टी एंड एस्ट्रोजन सेल्स इन प्रोस्टेट क्लैंड में क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं एक बार प्रोस्टेट इज लार्ज एंड रेवरी नॉन टेंडर हेजिस्टेंसी हेजिटेज होती है अपन को स्टार्टिंग यूरिनेशन में इंक्रीज फ्रिक्वेंसी यूरिनेशन नॉक्टूरिया मतलब इसके अंदर क्या होता है रात को uh, सैमल्टेनिशली यूरिनेशन हो, होने लगता है अर्जेंसी वाली फीलिंग होती है एबडोमिनल स्टेयरिंग होती है एबडोमिनल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्पिंग ऑफ द ब्लड मतलब इसके अंदर पैल्विक डिस्कम्फर्ट होने लगता है रिनर फेलियर जैसी कंडीशन होती है अब वह अपन इसका डायग्नोसिस पढ़ते हैं हिस्ट्री कलेक्शन लेत, लेते हैं अपन इसके अंदर ठीक है इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं अपन डिजिटल रैक्टल एग्जामिनेशन होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पी एस ए जिसे बोलते हैं अपन इसमें से क्या होता है जो प्रोटीन होता है उसे अपन रिलीज़ करते हैं कहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से जो इसमें है प्रोटीन का जो लेवल है वो अगर इंक्रीज़ होता है तो अपन कह सकते हैं कि इसमें बी पी एच वाली कंडीशन है मैनेजमेंट में देखो मैनेजमेंट में वही अपन अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं जो क्या करते हैं जो ब्लड वेसल्स पर जो ये अल्फ़ा जो प्रेजेंट होते हैं ये इन एंड्रोजोनिक जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये जाके उन्हें क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं तो फिर इससे क्या होगा जो डी रिसेप्टर्स है ना आपके जो डी वाले जो हार्मोन्स वगैरह जो सिक्रेट कर रहे थे वहाँ पे वो नहीं हो पाएंगे तो वैसे डायलेशन हो जाएगा ड्रग्स आर एल्फ्यू हो सकता है डॉगजा हो सकता है ई है ना फ़ाइव अल्फ़ा रिडक्टिस्वीटर्स डीज ड्रग्स ब्लॉक्स एक्शंस ऑफ फाइव अल्फ़ा रिडक्ट्स एंजाइम्स रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डी

प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है इसमें सर्जिकली रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बट इट्स नॉट यूजली प्रोलाउ नाउ अडीज सॉरी बार बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है फिर से सही कर देते हैं आई थिंक पेज नंबर ट्वेंटी फाइव राइट सॉरी ट्वेंटी सिक्स हाँ अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वाटर वेपर थर्मल थेरेपी ये एक न्यूअर प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन निडिल को स्टीम दे, देकर अपन इंसर्ट करते हैं अपने प्रोस्टेट ग्लैंड में अब जो स्टीम है उस वो क्या करती है डिस्ट्रॉय कर देती है जो आपकी जितनी भी एनलार्जमेंट वाले जो टिश्यूज हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर देगी तो देखो इसमें लिख भी रहता है स्टीम में कॉज सेल डेथ एंड नेक्रोसिस इमीडिएटली दस द डेथ सेल्स रिमूव माई बॉडी रिजल्ट इन श्रिंकिंग ऑफ प्रोस्टेट विदाउट डैमेजिंग और इंजरी प्रोस्टेट पार्ट अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट और पढ़ लेते एक बार जो लास्ट है आपका हम्म hmm. नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या है ऑन एडमिशन एस इज़ द वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट क्लियरली द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग डाउट्स ऑफ पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स उनकी जो पेशेंट के डाउट्स हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स की डाउट हैं वो अपन को मतलब क्लियर करना चाहिए एडमिशन के टाइम पे वाइटल साइंस को चेक करना चाहिए पेशेंट के मॉनिटर वाइडिंग करना चाहिए मोनिटर वाइडिंग पैटर्न विच फॉर द वॉच फॉर द ब्लैडर डिस्टेंशन और डी कैथराइजेशन इफ़ नीडिड अगर ब्लैडर के अंदर डिस्टेंशन आ रहा है तो अगर हमें लगता है कि उसे पेशेंट को कैथर्ड प्रोवाइड करना चाहिए तो हमें कराना चाहिए क्लोजली Output and uh, administer analgesics as prescribed. Maintain fluid and electrolyte level. देखो आपकी कोई भी kidney वाली problem है या फिर heart वाली तो उसमें fluid and electrolyte का proper balance को अपन को provide करना चाहिए. आ, teach patient and family members for measures like lifestyle, diet after surgery and advice for follow-up the care. तो जितने भी अपने care provide किया है तो उन सब को अपन क्या कहेंगे? Patient को बोलेंगे कि इने properly follow करो. जिससे कि पेशेंट उन्हें प्रॉपर फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी ईजी हो जाएगी लाइफ स्टाइल ईजी होगी तो कहीं ना कहीं जो भी उसके अंदर जितनी भी डिजीज़ हो रही है वो उसको कम कर पाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट अपन ने रीनल सिस्टम को कवर किया था आफ्टर डेट अपने सीवियर सिस्टम को कंप्लीट किया उसके बाद अपने रीनल सिस्टम है उसे सॉरी uh, फर्स्ट अपने रेस्पायरिटी किया था ठीक है आफ्टर डेट अपने रीनल सिस्टम को किया एंड देन ये जो बी है एच ये अपने मेल जोनाइटल से किया है ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और ये आने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं तो इसलिए ये सारे वो टॉपिक्स उठाए गए हैं मीजुल इनमें आपका मैं ये कह सकती हूँ कि 85 परसेंट आपका सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो गया इन चैप्टर्स का सो so, अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपके सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना और जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करना अदर स्टूडेंट्स की भी आप हेल्प कर पाओगे इससे ओके सो थैंक यू वेरी मच